ये हमारा अगला सेट है क्वेश्चंस का। क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ठीक है भाई, ऑप्शन नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चंस देखा हुआ है मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया था फेसबुक पे। सॉल्यूशंस देखते हैं अब हम लोग। हमारा 76 क्वेश्चन जो है, पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 16 आवर्स एंड 24 आवर्स, बहुत ही आसान है यहाँ तक। पाइप सी कैन अलोन कैन एम्प्टी फुल टैंक इन एक्स आवर्स, ठीक है। ऑल द पाइप्स आर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM, ठीक है। सी वॉज क्लोज एट 2:30 PM, मतलब सी कितनी देर चला है, यहीं से स्टार्ट करना है हमें, सी कितनी देर चला है, 4 घंटे, ठीक है। टैंक वॉज फुल एट 8:30 PM ऑन द सेम डे, मतलब कितनी देर लगा टैंक को भरने में, 10:30 AM से 7:30 PM, मतलब 10 घंटे में टैंक भर गया, है ना। कैसे बनाओगे अब बताओ इसको। वन बाई 16 प्लस 1/24 प्लस 1/x करोगे, फंस जाओगे, फंस जाएंगे, यही किया था। इसको उल्टा बनाते हैं, 10 घंटे में टैंक पूरा भर रहा है, ठीक है। ए और बी ने मिलकर टैंक को भरा है और सी ने 4 घंटे तक टैंक को खाली किया है ना। तो 10 घंटे में पूरे टैंक से ज्यादा भर देंगे ए और बी मिल करके, तभी तो सी ने कुछ निकाला और बचा था पूरा टैंक, तो कितना ज्यादा भरा यह निकाल देंगे हम लोग पहले। तो ए और बी मिलकर कितना काम करते हैं इसको निकालना है पहले। 1/16 ए ने किया 1 घंटे में, बी ने 1/24 किया, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5/48 आ जाएगा, 1 घंटे का काम, ठीक है। ए और सी अगर 1 घंटे चलते हैं तो इतना टैंक भरता, लेकिन ये लोग चले कितने हैं, 10 घंटे, 10 आवर्स में कितना भर देंगे ये दोनों मिल करके, 50/48, है ना। इतना भरा था 50/48 ए और सी ने, ए और बी ने मिलकर के भरा था, लेकिन बचा कितना है, बचा तो एक ही टैंक है ना, एक से ज़्यादा नहीं भरा है टैंक, तो जो बाकी था वो चला गया है, कितना लॉस हुआ है पानी, 2/48 पानी लॉस हो गया है। ये कितनी देर में हुआ है, 4 घंटे में 2/48 लॉस हुआ है, तो 1 घंटे में कितना लॉस होगा इसका, 1/4 इंटू 1/4 इजकल टू 1/96, 1 घंटे में 1/96 टैंक का पानी निकल जाएगा, मतलब भरने में कितनी देर लगेगी, 96 घंटे। कितना आसान था, कुछ मुश्किल था इसमें। ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन ए क्वाड्रिलेटरल टचिंग ए बी बी सी सी डी ए डी एट पॉइंट्स पी क्यू आर एस रिस्पेक्टिवली, मतलब सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना है, फिर एंगल भी 90 डिग्री भी दिया हुआ है, तो एक क्वाड्रिलेटरल में बना देता हूँ पहले। हमें और क्या दिया है, एंगल भी 90 डिग्री है, तो बी के पास मैं 90 डिग्री पहले ही बना देता हूँ, इसी को बी मान लो, इसको 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, यह 90 डिग्री है हमारा, ए बी सी डी नाम दे दो, बी पे 90 था, ए यहां है, बी यहां पे 90 हो गया, सी यहां पे है, डी यहां पर है। अब इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल बना देनी है, तो सर्कल बना देते हैं, सर्कल मेरी गोल नहीं बनती है, काम चला लेना इसी से, ठीक है। टच भी नहीं हुआ ये तो, चलो मान लो अब ये टच हो रहा है, मान लो सब जगह यहां टच हो रहा है, यह सब क्या क्या पॉइंट के नाम दिए हैं हमें, ए बी साइड पे है हमारे पास पी, बी सी पे है क्यू, सी डी पे है आर और यहां पे एस, और हमें क्या दिया है, ए डी 24 सेंटीमीटर है, ए डी यह 24 है और ए बी 27, ए बी यह 27 है, नजर नहीं आया, यहां पे लिख देता हूं, ए बी 27 है, ए पी बी की लंबाई नहीं है, 27 ए बी है और डी आर 6, डी आर यहां से यहां तक यह 6 है, ठीक है। व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो देखो सर्कमफ्रेंस निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, है ना, और चूंकि ये सारे टेंजेंट है तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो सेंटर से मिल जाएगा वह,
कुछ इस तक आएगा, यहां से परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से आएगा, इसका कुछ इस तरह से आएगा, कुछ इस तरह का हमारे पास डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये सारी लाइंस परपेंडिकुलर होंगी। और चूंकि यह सर्कल है, dr हमें 6 दिया है, तो ds भी 6 होगा, है ना। अच्छा, सर्कल का रेडियस तो अभी तक आया नहीं, रेडियस भी बना लो। रेडियस ये इस तरह का यही होगा, और यह होगा, ये रेडियस कहाँ है, सॉरी रेडियस नहीं, ये तो डायगनल में ज्वाइन कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर को टेंजेंट के पॉइंट से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, देखो अब ये 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, ये 6 हो गया। और अच्छा, ये 24 में से 6 यहाँ चला गया, तो इधर कितना बचा, ये 18 बच गया, ए एस 18 बच गया, है ना। डायग्राम पे समझ लो इसको, ऐसे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। ए एस 18 है, ए पी यह भी 18 हो जाएगा, क्योंकि एक एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन रहे हैं, तो ये दोनों 18-18 हो गए। अब देखो 27 में से 18 इधर चला गया, ये 27 था टोटल, है ना, ए भी पूरा 27 था, उसमें से 18 यहाँ पे चला गया, तो पी भी हमारे पास कितना बचेगा, 9। पी भी 9 है तो डी क्यू भी 9 है, ये दोनों जब 9 है तब देखो यह 90 डिग्री था, एंगल बी 90 डिग्री था, तो यह 45 होगा और यह भी 45 होगा, होगा ना, ये 90 होना ही है, यह 90 है, ये 45 है, ये 45 है, दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, ये साइड और ये साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर होंगे तो मतलब रेडियस हमारे पास क्या आ गया, 9। रेडियस 9 आ गया तो हमारा 2πr निकाल देंगे, तो आ गया हमारे पास 18π। समझ में आया।